हेलो एवरीबॉडी, ट्वेल्थ साइंस फिजिक्स में आज का टॉपिक है लेंस को लेंस सूत्र का निगमन करना। हम उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन करेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। हम उत्तल लेंस के लिए आज लेंस सूत्र का निगमन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, C एक उत्तल लेंस है और जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है, तो जिसका प्रतिबिंब दूसरी तरफ A'B' बन रहा है। तो यहाँ पर किरण आर्य कैसे बन रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर किरण AC है जो उधर फोकस से गुजरती है और दूसरी किरण हम ले रहे हैं जो O से होकर जा रही है, जो प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है, बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है। तो ये दोनों किरणें जहां मिल रही है, कहां मिल रही है? A'B' पर मिल रही है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लेंस सूत्र का निगमन करेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले त्रिभुज AB को और A'B' OB इनको समरूप करना है। दो त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो AB है और कोण A'B' है ना, A'B' O है, ये कितना है? 90 डिग्री। तो कोण ABO बराबर कोण A'B' O क्यों बराबर है? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। एक चीज हो गई। उसी प्रकार यहां पर हम देख सकते हैं कोण AOB, ये जो AOB है ये A'OB' के बराबर है, A'OB' के बराबर है। क्यों? ये है शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब दो कोण हमने बराबर कर लिए हैं तो ये जो त्रिभुज है ABO समरूप हो जाएगा A'B'O। ठीक है, कौन कौन समरूपता? समरूप हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज है इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपात। मतलब हमको क्या मिलेगा? AB AB बटे A'B' बराबर OB बटे OB'। तो ये हो जाएगा बराबर OB बटे OB'। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। कहां से आया? त्रिभुज ABO और A'B' को हमने समरूप किया था। ठीक है, अब हम एक और त्रिभुज लेंगे जिसको समरूप करेंगे। तो त्रिभुज COF, ये जो त्रिभुज है COF, COF और त्रिभुज A'B'F में, अब यहां भी इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप करना है। ठीक है, तो यहां पर भी हम ध्यान देंगे कि यहां पर भी एक कोण O पर 90 डिग्री का बन रहा है, B पर 90 डिग्री का बन रहा है। कोण COF बराबर A'B'F, A'B'F प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बन गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाला कोण, ठीक है, ये वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, F पर जो कोण बन रहे हैं OFC, तो कोण OFC बराबर A'F B', कोण A'F
बी डैश कौन से कोण है, यहाँ पर भी शीर्षाभिमुख कोण है, त्रिभुज समरूप कोण है, त्रिभुज सी ओ एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कौन कौन समरूपता था, जैसा कि यहाँ देखा था, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो सीओ सीओ बटी ए डैश बी डैश बराबर ओएफ बटी बी डैश। अब यहां पर हम चित्र में देखेंगे कि ये जो एसी किरण है, ये जो हमारी एसी किरण है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, अतः एबी और ओसी ये दोनों बराबर होंगे, तो क्योंकि जो ओसी जिसके बराबर है एबी के, तो अतः यहाँ रख देते हैं सीओ की जगह या ओसी की जगह, एक ही बात है, सीओ की जगह हम एबी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एबी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओएफ बटे बी डैश। ये हमारा समीकरण नंबर दो आ गया है, दो समीकरण हमने ज्ञात कर लिए, पहले में एबी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओबी बटे ओबी डैश समीकरण नंबर वन, और ये दूसरा समीकरण आया एबी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओएफ बटे बी डैश। देख सकते हैं दोनों तरफ हमने AB बटे AB डैश का मान निकाला है, इनकी तुलना करेंगे, अतः समीकरण एक और दो से ये दो जो समीकरण आया है इनको हम बराबर रखते हैं, तो एक और दो से, ठीक है, एक और दो को बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर हो गया OB OB डैश बराबर OF बटे बी डैश। अब हम इसमें चेक करते हैं कि किन किन का मान हमको पता है, ओ बी यानी प्रकाशी केंद्र से वस्तु की दूरी मालूम है, क्यों चिन्ह हम देखें, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, ओ एफ फोकस दूरी, बी डैश एफ का मान हमको नहीं पता है, तो हम बी डैश एफ को ऐसे रूप में बदलेंगे जिनमें हमको मान पता है, ठीक है, तो OB ऐसी रखेंगे, OB डैश ऐसी रखेंगे, OF। अभी हम B डैश F को लिख सकते हैं, अगर हम जो OB डैश है OB डैश में से अगर OF घटा दें, देख सकते हैं चित्र में, OB डैश में से अगर हम OF घटा दें हमको B डैश F प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने बी डैश एफ की जगह उसको लिखा ओ बी डैश माइनस, अभी हमको सबके मान मालूम है, ठीक है, तो हम यहाँ मान रख देते हैं, जिन जिन के मान हमको मालूम है उनके मान हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो जहां सबसे पहले ओ बी, तो ओ बी वस्तु है, चिन्ह के चिन्हों के नियम के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो ओ बी है वो माइनस का यू आएगा, और जो ओ बी डैश है वो भी आएगा प्लस का, और जो एफ है ओ एफ वो भी प्लस एफ आएगा, ठीक है, मान रख देते, तो मान रखने पर यहां पर हम मान रखेंगे, हम देखते हैं मान रखने पर क्या मिलेगा, ये सब यहाँ पर है ओबी, ओबी है माइनस यू, ओबी डैश वो है बी बराबर ओएफ, ये है एफ बटे ओबी डैश है बी माइनस ओएफ है एफ, ठीक है, इस तरीके से हमने सबके मान रख दिए, फिर ये गुणा करते हैं हो जाएगा माइनस यू बी माइनस एफ बराबर हो जाएगा बी एफ, यू से अंदर गुणा करते हैं तो हो गया माइनस यू बी, माइनस और माइनस
प्लस हो जाएगा यू एफ बराबर वी एफ। अब इसको अरेंज कर देते हैं, पक्षांतर करके अरेंज करके जमा देते हैं, तो ये हो जाएगा यू एफ माइनस वी एफ बराबर, ठीक है। अब हम यू वी एफ से भाग देंगे दोनों पक्षों में, यू वी एफ से भाग देने पर तो दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देंगे, हम दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ बटे यू वी एफ बराबर यू वी बटे यू वी एफ, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर U से U कट गया, F से F कट गया, तो एक बटा V बच गया, V से V कट गया, F से F कट गया, और U V कट गए, तो जो हमको समीकरण मिल रहा है, सूत्र मिल रहा है, 1 by V minus 1 by U बराबर 1 by F। इस सूत्र को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बटा F बराबर 1 बटा V minus 1 by F। तो ये लेंथ सूत्र है जिसको हमने सिद्ध किया है। तो ये लेंथ सूत्र क्या बता रहा है, किसी भी लेंस के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लेंस सूत्र कहते हैं। जहां पर हमको ध्यान में रखना है f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है?